नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम जानेंगे ईएसआर टेस्ट के बारे में। ईएसआर टेस्ट क्या होता है, ईएसआर टेस्ट क्यों किया जाता है और इससे हमारे शरीर में किस चीज के बारे में पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ईएसआर टेस्ट क्या है और क्यों किया जाता है। ईएसआर को इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। शरीर में होने वाली जलन और सूजन का पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक सामान्य सा ब्लड टेस्ट होता है। ईएसआर ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड सैंपल में लाल रक्त कोशिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट के नीचे गिरने की गति को मापा जाता है, इसीलिए इसे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। ईएसआर ब्लड टेस्ट कब करवाना चाहिए? ईएसआर ब्लड टेस्ट बहुत सारी कंडीशन में होता है। गठिया का कोई प्रकार हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, गर्दन या कंधे का दर्द हो, एनीमिया हो, भूख कम लगना, जोड़ों में अकड़न, वजन कम होना, इन सभी में ईएसआर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ईएसआर ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है। ईएसआर ब्लड टेस्ट करने के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। टेस्ट के दौरान रेड ब्लड सेल्स को लंबी और पतली ट्यूब में रखा जाता है और अगले 1 घंटे में उनके ट्यूब में नीचे गिरने की गति को मापा जाता है। शरीर में सूजन होने की स्थिति में ब्लड में मौजूद असामान्य प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स के गुच्छे बना देगी और गुच्छे का वजन ज्यादा होने के कारण वो जल्दी नीचे गिर जाएंगे और ईएसआर टेस्ट के रिजल्ट को मिलीमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है।